देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और मेरे पीछे तस्वीरों में जो आप ये तिरंगे झंडे देख रहे हैं, ये वही तिरंगा है जिसकी आन बान शान के लिए न जाने कितने ही शहीदों ने कुर्बानियां देकर इस तिरंगे को हासिल किया था। देश की आन बान और शान हमारा ये तिरंगा, जिसके पीछे पूरा हिंदुस्तान चलता है। और ख़ास बात ये है, ये भी है कि इसी तिरंगे के ज़रिए बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो आज भी जिनकी रोज़ी रोटी जो है वो इस तिरंगे की वजह से। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर हैं, इन लोगों से बात करेंगे। हम लोग फ़िलहाल रोहतक में मौजूद हैं। रोहतक का ये दिल्ली बाईपास है, यहाँ पर ये तिरंगे सड़क के किनारे पटरी पर लगाकर बेचे जा रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सब डिस्ट्रिक्टों के हैं, तहसील निवाई और गांव दहलोद है। राजस्थान से आए हैं? राजस्थान से हैं। तो हर साल आते हैं आप? हाँ, हर साल आते हैं सर, गुजारा करने के लिए। अब देखो काम ऐसे है, जो पैसे वाला बन रहा है, गरीब गरीब बन रहा है बिल्कुल ही, और जो पैसे वाला बंदा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और अब हर बात में जो महंगा है ना, गरीब को कमर तोड़ रखी है। अब क्या करें, गरीब दिन भर में 300-350 कमाएंगे, इतना दुकान पे जाके जिन तो 300-400 परचून सामान आ जाएगा, तो कहाँ से बच्चे को पढ़ाएंगे, कहाँ से हम आगे बढ़ेंगे? हमारे रोड पे हैं तो रोड पे रह रहे हैं, क्या करें बताओ। गुजारा हो जाता है क्या? गुजारा सर नहीं होता गुजारा, अब क्या करें, महंगाई के आगे गुजारा कहाँ से होगा सर। हम मान लो इसका हम बताएंगे 300 रुपये, तो हमारे क्या लगाएंगे, 150-200 रुपये लगाएंगे। वो क्या बोलेंगे, ऊपर रोड पे रह रहे ना तो रोड की रेट लगाएंगे। हाँ। जो बात सिर वाली कंपनी है तो इसमें जो रेट है ना वही रेट देगा, मगर रोड पे बैठे ना उसके वो रेट देंगे। ये बड़ी बात कही है कि अगर यही तिरंगा किसी अच्छे कांच वाले शीशे वाली सजावट की दुकान में बिकता तो काफ़ी महंगे दाम पर कोई खरीदता, लेकिन यहाँ रोड पर है तो इसलिए लोग आपसे भी मोल भाव करने लग जाते हैं। तीन बच्चे हैं, 1 लाख कमाने वाला हूँ, क्या करूँ बताओ। तिरंगा कितना प्यारा लगता है? तिरंगा तो बहुत प्यारा लग रहा है सर, क्या करें। ये खूबसूरती है इस मुल्क की कि महंगाई से परेशान हैं, गुजारा नहीं चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रहे, लेकिन तिरंगा बेचते हैं और तिरंगे से दिलो जान से प्यार करते हैं। तो इन भाई ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि अमीर को गरीब को जो है सबको उनका हक मिलना चाहिए। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद वो हिंदुस्तान को कहाँ देखते हैं और क्या उनका सपना है, कहाँ हिंदुस्तान होना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ का हम सर, जिला अलीगढ़। अच्छा, ये बेचते हैं आप? कितना गुजारा हो जाता है, कितनी कमाई हो जाती है? हो जाती है 500-600-700 रुपये हो जाते हैं। हर रोज़ की हो जाती है? रसोई ठीक से चल जाती है? ऐसा हो जाता है। कौन कौन है परिवार में? परिवार में 2 भाई हैं। अच्छा, ये बताओ, देश को आज़ाद हुए इतने दशक हो गए हैं, आप कैसे देखते हैं देश ने कितनी तरक्की की है या कोई कमी रही है, आपको क्या लगता है? हमें तो अब तो बढ़िया लगता है। हमें क्या बढ़िया लगता? अपना काम धंधा, अपने रोजगारी, अपना बढ़िया काम हो जाता है अपना। तो जिस देश ने जितनी तरक्की की उससे खुश हैं क्या? आपको नहीं लगता कि अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है उसको पाटने के लिए, जो निम्न वर्ग है उसके लिए और काम करने की आवश्यकता होनी चाहिए या किए जाने चाहिए? देखो, हलवाई के लिए काम नहीं कर लेते हैं, सालक का जो सालक का चलते हैं उसमें 800 रुपये झाड़ी मिलती है। हाँ, उसमें अपने 500-600-700 हो जाते हैं। देश के युवाओं के बिना देश की बात अधूरी है। भारत युवा देश है, तो युवाओं की आजाद सोच क्या कहती है जानते हैं। लोगों से बातचीत करते हुए फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, यहां पर कुछ छात्र बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कैसे देखते हैं हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है आज़ादी से लेकर अब तक? देखो जी, तरक्की तो बहुत करी है, नो डाउट। खामियाँ क्या हैं जो और तरक्की हो सकती थी, क्या क्या कमियाँ रही? खामियाँ तो और बहुत सारी हैं, लेकिन विद टाइम वो सारी ठीक हो जाएंगी। तो आप कैसे देखते हैं हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है? हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी के दिवस को। जी, तरक्की तो काफ़ी की है हमने, लेकिन अभी भी काफ़ी फील्ड्स हैं जहाँ पर हमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। अगर हमें देखा जाए तो हमारे कुछ जो देश हैं जो हमारे साथ आज़ाद हुए थे काफ़ी आगे हमसे, कुछ चीज़ों में तो हमें ज़रूरत है कि कुछ चीज़ों में हम तरक्की करें जहाँ पर हम लैक कर रहे हैं अभी। आप कैसे देखते हैं हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की है, 78वां हम लोग दिवस मनाने जा रहे हैं? सर, तरक्की तो अब हम जैसा सोचें उस हिसाब से तो चलता नहीं है, पर जितने मतलब जैसे देश मिला था आज़ादी तक उस हिसाब से उसको रिबिल्ड करना और बाद में कभी इमरजेंसी कभी वॉर्स, तो कुल मिला के मुझे तो ठीक ही लग रहा है और ठीक डायरेक्शन पे है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सब बीटेक थर्ड ईयर। क्या लगता है हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की?
सर अगर देखा जाए तो मतलब बाकी कंपटीशन में देखा जाए जो और कंट्रीज हमारे साथ आज़ाद हुए थे तो उनके मुकाबले काफ़ी कम किया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही कम किया है। तरक्की एक लेवल पे हो रही है लेकिन बहुत ग्रोथ रेट बहुत स्लो लग रहा है ऐसा देखना। उसके पीछे बेटा कारण क्या देखते हैं, रीजन क्या रहा है ये ग्रोथ रेट का अपने जिक्र किया, स्लो क्यों हुआ? सर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स होती है थोड़ी मतलब पॉलिटिक्स डेवलपमेंट को ज़्यादा लेके ना उस पर नहीं होती है, वो थोड़ी ना धर्म जातियों इन पे ऊपर होती है, तो वो मेरे हिसाब से वो रीज़न हो सकता है। तरीके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, आपका क्या मानना है? अलग अलग फील्ड में लोगों को मतलब सरकार बोलती है जॉब नहीं है जॉब नहीं है, लेकिन अलग अलग फील्ड में जॉब क्रिएट किया जा सकता है। तो ये हमने अलग अलग वर्ग के बच्चों से भी बात की है, स्टूडेंट्स हैं खासतौर से MBO फिलहाल हम लोग मौजूद हैं, इसके अलावा भी हम लोगों ने काफ़ी अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत की, तमाम लोगों का अपना अपना नज़रिया है, लेकिन देशभक्ति की जहाँ तक बात आती है तो कहने में मुझे कोई दोराय नहीं, हर किसी के रगों में कूट कूट कर देशभक्ति भरी हुई है, समूचा हिंदुस्तान तिरंगे के पीछे चलता है। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कॉलेज में हूँ। स्कूल में तो पढ़ते होगे? MDU में। MDU में जी, तो फिर अपर क्लास में है ना। अच्छा ये बताइए तिरंगे से कितना प्यार है? बहुत ज़्यादा, मेरे देश का झंडा तो क्यों नहीं होगा। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए कई दशक बीत गए हैं, 78वां हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं 15 अगस्त को, कैसे देखते हैं कितना तरक्की किया है कंट्री ने, क्या हो सकता था और बेहतर हो सकता था? बहुत तरक्की करा है, आई थिंक मोदी जी के आने के बाद ज़्यादा तरक्की करा है एज़ कम्पेयर टू कांग्रेस, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा तरक्की करा है। जिसके पहले वुमेन मुस्लिम वुमेंस को ले लो, उनको तलाक 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 के तलाक दे देते थे, लेकिन अब उनके पास राइट है कि वो तलाक जब तक नहीं होगा तब तक उनका तलाक मान्य नहीं होगा, और हमारी राइट्स को लेके गर्ल्स की पावर को लेके बहुत इंपावरमेंट कर रखा है। अब तिरंगा वाली बात मोदी जी ने ही तो करी है, पहले तो नहीं था ऐसा कुछ। तिरंगा तो पहले भी था, तिरंगा पहले था, लेकिन तिरंगे को लेकर जो प्रेम मोदी जी ने दर्शाया है कि हमें तिरंगा हर घर लगाना चाहिए, ये तो नहीं था, कोई भी नहीं बोलता था ये तो अब है, तो हाँ किया बहुत हुआ है तरक्की। देश की तरक्की से आप सेटिस्फाई हैं, खुश हैं? सर सेटिस्फेक्शन तो कभी हो नहीं सकती, और मुझे लगता है कि सेटिस्फेक्शन कभी होनी भी नहीं चाहिए, तो हाँ कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी सारी फील्ड्स में इम्प्रूवमेंट हुई भी है। जैसे कि अगर स्वच्छता को लेके देखा जाए तो काफ़ी सारे पखवाड़ा उन्होंने चलाए, स्वच्छता भी बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो इनकी पूरी टाइम में इन्होंने इम्प्रूवमेंट करी है। रोहतक के लोगों को तिरंगे से कितना प्यार है और मौजूदा खामियों को कैसे गिनवाया जाता है ये भी सुनिए। आपकी गाड़ी में तिरंगे रखे हुए हैं आगे? हाँ जी बिल्कुल। कितना प्यार लगता है तिरंगे? बहुत ज्यादा करता हूँ जी तिरंगे से, अच्छे ज्यादा। मुझे ये बताइए आप काम क्या करते हैं? मैं काम तो ड्राइवरी का करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं जी? तरक्की चल रही है, अच्छी चल रही है, थोड़ा महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। और फ्लैग के बारे में एक कहना चाहूँगा, पिछली दफ़ा भी मैंने देखा था कि ये लगा दें कहीं कहीं लगा दें फिर ये गिरे फिरें, इसका अपमान ना हो। मैं हाथ जोड़ कर देशवासियों से यही प्रार्थना करूँगा, अगर फ्लैग खरीदते हो तो अपने सीने से लगा कर रखो, ना कि गिराओ। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने, ये तिरंगा वो तिरंगा है जिसके लिए लोगों ने शीश कटा के इस तिरंगे को गिराया है। देश की शान है, देश की शान को रोड पर गिराना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैंने भी फ्लैग लिए हैं अपनी गाड़ी में, अपने दिल से लगा के रखता हूँ, क्योंकि मेरे सामने रहेगा, ना कि मैं इसको कहीं बाहर लगाऊंगा और ऐसे नहीं लगाऊंगा। देश सेलिब्रेशन में डूबा हुआ है, आज़ादी का जो उत्सव है वो मना रहा है, कैसे देखते हैं आप कितनी तरक्की हिंदुस्तान ने की है आज़ादी से अब तक? देखिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक दो दिन के बाद हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस पूरा देश मना रहा है, और पूरा देश ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। पर जब देश आज़ाद हुआ और देश को आज़ाद करवाने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने अपना संघर्ष किया, उनके जो सपने आज 75-76 साल के बाद भी हम उनसे कोसों दूर हैं।